पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ओपन पेज नंबर 51। इट्स पेज नंबर 51, यूनिट 8, हीट। काइंडली होल्ड पेंसिल एंड सॉल्व ऑल द एक्टिविटीज एंड मार्क आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन योर बुक। अपनी बुक पे आप पेंसिल के साथ इन एक्टिविटीज को सॉल्व करते जाएं, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पेंसिल के साथ इन आंसर्स क्वेश्चन के जो आंसर हैं उन्हें मार्क कर लें, निशान लगा लें, ताकि बाद में आपको याद करने में कोई परेशानी ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्जल सवाल के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज हीट कम फ्रॉम, हरारत कहाँ से आती है या कहाँ से हासिल होती है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हीट कम्स फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल सच एज ऑयल एंड गैस। हरारत सूरज से हासिल होती है और जलती हुई लकड़ी, कागज और दूसरे ईंधन जैसे कि तेल और गैस वगैरह से हरारत या गर्मी हासिल होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हीट कम्स फ्रॉम से लेकर एंड गैस तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज हीट यूजफुल, हरारत या गर्मी किस तरह से मुफीद है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हीट इज़ वेरी यूजफुल, हरारत बहुत मुफीद होती है। इट कीप्स आवर बॉडीज वार्म, ये हमारे जिस्मों को गर्म रखती है। वी यूज इट टू कुक फूड एंड टू आयरन क्लोथ, हम इसे खाना पकाने, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आल्सो मेक थिंग्स मूव, ये चीज़ों को हरकत करने में भी मदद कर सकती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हीट इज़ वेरी यूजफुल से लेके थिंग्स मूव तक है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज द हीट एनर्जी इन आर बॉडीज कम फ्रॉम, हमारे जिस्मों में मौजूद तवानाई की जो हरारत की तवानाई है, हमारे जिस्मों में मौजूद हरारत की तवानाई या हीट एनर्जी कहाँ से आती है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द हीट एनर्जी विच कीप्स आवर बॉडीज वार्म कम्स फ्रॉम फूड, हरारत की तवानाई या हीट एनर्जी जो हमारे जिस्मों को गर्म रखती है खुराक से हासिल होती है, यानी खाना खाने से हमारे जिस्म में तवानाई या हरारत पैदा होती है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर द हीट से लेके फ्रॉम फूड तक है, यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट मेक्स अ थिंग हॉट, किसी चीज़ को कैसे गर्म किया जाता है या क्या चीज़ किसी चीज़ को गर्म करती है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ समथिंग मूव फास्टर, जब किसी चीज़ के छोटे छोटे ज़रात बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं, दे मेक दैट थिंग हॉट, तो वो उस चीज़ को गर्म कर देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर व्हेन द पार्टिकल्स से लेके थिंग हॉट यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज आइस मेल्ट, बर्फ कैसे पिघलती है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन 5 का आंसर है व्हेन आइस इज हीटेड, जब बर्फ को गर्म किया जाता है, द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मूव फास्टर, तो हरारत या गर्मी बर्फ के मॉलिक्यूल्स को बहुत तेज़ी से हरकत दिलाती है। विद मोर हीट दे मूव फास्टर एंड मूव फर्दर अपार्ट अंटिल द सॉलिड आइस बिकम्स वाटर, जब मजीद की गर्म किया जाता है तो वो और ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, हत्ता के इतना दूर चले जाते हैं कि जो ठोस बर्फ है वो पिघलकर पानी बन जाती है। तो पांचवें सवाल का जवाब व्हेन आइस इज हीटेड यहाँ से लेके मूव फास्टर तक है और उसके बाद विद मोर हीट से लेके बिकम्स वाटर, यहाँ तक पांचवें सवाल का जवाब है। यानी आप इस तरह से लिखोगे कि पहले आप लिखेंगे व्हेन आइस इज हीटेड द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मूव फास्टर, फिर आप लिखेंगे विद मोर हीट दे मूव फास्टर एंड मूव फर्दर अपार्ट अंटिल द सॉलिड आइस बिकम्स वाटर, इस तरह से आप पांचवें सवाल का जवाब लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 इज लेबल द ड्राइंग ऑफ अ थर्मोमीटर, हमें एक थर्मोमीटर दिया गया है और उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके हमें उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट है मरकरी, MERCURY, मरकरी। सेकंड है बल्ब, BULB, बल्ब।
ये एक्टिविटी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। आपको पेज नंबर 54 पे थर्मामीटर और ये सॉल्ट, इसकी लेबल की हुई डायग्राम, मरकरी और बल्ब नज़र आ जाएगा। लास्ट एक्टिविटी है चूज द बेस्ट आंसर। हमें ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। तो फर्स्ट है फायर गिव्स अस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट को टिक करेंगे। सेकंड में एनीथिंग विच कैन डू वर्क हैज़ इनर्जी, इनर्जी को टिक करेंगे। फिर है कोल्ड वाटर हैज़ लेस हीट देन बॉइलिंग वाटर, तो लेस को आप टिक करेंगे। देन व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स दे बिकम वाटर, वाटर को आप टिक करेंगे। लास्ट है ए थर्मोमीटर इज फिल्ड विद मरकरी, मरकरी को टिक करेंगे। तो इस तरह से आपकी तमाम एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इस वीडियो को देख के अपने बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए सहूलत पैदा हुई हो, तो कांडी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कॉमेंट से लाजमी हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।